टुडे वी आर डूइंग पार्ट वन प्रोडक्ट लेसन, नाउ वी आर स्टडिंग पार्ट टू। यदि आप लोगों ने पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए पार्ट टू के अंदर हमें पढ़ना है मैथमेटिकल डिफाइन। उससे पहले आपको दो पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसके सब इस फॉर्मूला को समझ पाओगे। तो पहला है इक्की प्रोबेबल इवेंट, मतलब जो कोई भी आउटकम आता है फेयरवेल का तो सबके पास समान आके है। मतलब के हेड और टेल, मतलब आप एक कॉइन लेते हो उसके पास हेड आने के पास ही 50% चांस है, टेल आने के पास ही 50% चांस है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा 100%, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब आप कह सकते हो कि हेड के और टेल दोनों के पास समान आके। नाउ अब फेयरवेल आउटकम, फेयरवेल आउटकम का मतलब होता है कि समझिए आपने इस वाले एग्जांपल हम वापस लेके आते हैं। देखिए कि दो कॉइन है हेड एंड टेल, अब आउटकम कितने हैं, आने की पॉसिबिलिटी दो है। अब हम एज्यूम करते हैं कि हेड आया, तो हेड आने के चांस कितने हैं, वन। जो ऊपर का आता है उससे कहते हैं फेवरेबल आउटकम। नाउ वी आर स्टडिंग मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन का बहुत ईजी है इस फॉर्मूले को याद करने का। ऊपर लिखा जाता है जो होने होएगा, एज्यूम करते हैं कि फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए मीन्स फॉर एग्जाम्पल हेड और टेल है। अब मैंने एज्यूम किया कि ए इवेंट हेड, मतलब हेड आने की पॉसिबिलिटी को मैं ऊपर लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल। इक्वी प्रोबेबल का मैंने अभी बताया कि जो सबके पास समान है के आने का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स ए इंटरजेक्शन बी पाई होना चाहिए और एग्जॉस्टिव का ए यूनियन बी का यू होना चाहिए। ओके तो देखिए इसको मैं पहले प्रूव करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एक कॉइन लिया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड एंड टेल। अब देखिए इसको ए यूनियन बी में करता हूँ, यूनियन का मीनिंग मैंने पहले ही बोला था प्लस होता है, तो ए प्लस बी होता है। अब देखिए इसके पहले मैं इवेंट बनाना भूल गया, ए मीन्स एच बी मीन्स टी। ओके अब देखिए ए प्लस बी करता हूँ, ए प्लस बी तो क्या होता है, यूनियन कैसे हुआ, देखिए यूनियन हमने बनाया था सैंपल स्पेस, एच और टी बनाया था सैंपल स्पेस। अब ए यूनियन बी को आप प्लस करते हो तो सैंपल स्पेस बनना चाहिए, तो देखिए ए था एच प्लस बी टी एटले बन गया एच और टी सैंपल स्पेस। अब देखिए ए अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का पाई आंसर मैंने क्यों रखा बताता हूँ। देखिए ए इंटरजेक्शन बी इजिकल टू पाई होना चाहिए था, देख लीजिए इन दोनों के अंदर कोई कॉमन आ रहा है इसलिए पाई आता है। और इक्वी प्रोबेबल, हेड आने के भी इक्वल चांस है, टेल आने के भी इक्वल चांस है। अब फेयरवेल आउटकम की बात आते हैं, टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इक्वी प्रोबेबल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। तो मैंने हेड और टेल का एग्जांपल लिया था तो उसका टोटल आउटकम कितना था, टू। अब मैंने एज्यूम किया फेयरवेल आउटकम ऑफ इवेंट है कि हेड आएगा, मैंने एज्यूम किया, मैंने ऐसा नहीं किया हेड ही आएगा, मैंने एज्यूम किया, अभी भी बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी में एज्यूम ही होता है। आप फ्यूचर का नहीं बता सकते, आप ज़रूर पास्ट की घटना हुई वो बता सकते हो पर फ्यूचर की घटना आप नहीं बता सकते, एज्यूम कर सकते हैं कि वो शायद वो हो जाए ऐसा। तो फेयरवेल आउटकम ऑफ इवेंट है, इवेंट है, मैंने एज्यूम किया हेड आएगा, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 1/2। ओके अब आपको ये चार फॉर्मूले याद होंगे तो ही आगे आप सम कर पाओगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये चार फॉर्मूले इस लेसन के बेज है। देखिए मैं इस फॉर्मूले को याद करना भी सिखाऊंगा, ये फॉर्मूला आया भी कैसे वो भी सिखाऊंगा, इसलिए डोंट वरी, कोई स्ट्रेस लेने की चिंता नहीं है। देखिए फर्स्ट क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश का मीनिंग मैंने सिखाया था ए कॉम्प्लीमेंट्री, डैश का मीनिंग होता है ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको पहले क्या करने का, यूनियन को इसको ऊंधा कर देने का, यदि दो बार डैश आए हो तो उसको ऊंधा कर दो और ए इंटरजेक्शन बी का होल स्क्वायर के ऊपर एक डैश लगा दो और इजिकल टू 1 - p इंटरजेक्शन बी लिख दो। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न बता रहा हूँ अब आपको। देखिए अब मैंने एक सैंपल स्पेस लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए इवेंट लिया 2, 4, 5, 6, बी लिया 1, 3, 6। ओके मैंने और ए डैश का लिया है, ए डैश मैंने ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1, 2, 4, 5, 6 है तो इसके सिवा कौन से हैं, 1 और 3
बी डैश लिया है 136, तो इसके सिवा कौन से हैं 245। ओके नाउ मैंने ए यूनियन बी कर दिया है, तो ए यूनियन बी करता हूँ तो ए यूनियन बी का मतलब प्लस होता है इन दोनों का, तो 1 2 3 4 5 6 किया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में से जो कॉमन होता है, तो कॉमन भी ले लिया मैंने, 6 ले लिया। अब देखिए, अभी मैं ए डैश यूनियन बी डैश लेता हूँ, ए डैश और यूनियन बी डैश मतलब इन दोनों का कॉमन लिया मैंने, अब तो इन दोनों का कॉमन लेता हूँ तो 1 3 2 4 5 आता है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेता हूँ उसका आंसर आता है पाई, इन दोनों के बीच में जो कुछ कॉमन है इसलिए मैंने ले लिया पाई। अभी ए यूनियन बी का होल स्क्वायर का मैं डैश लेता हूँ मैं, इसका भी आंसर आता है पाई। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मैं होल स्क्वायर लेता हूँ तो 1 2 3 4 5, ए आंसर कहाँ से आया देखिए, ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं इसके सिवा, तो इसके सिवा क्या है ए 1 2 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी डिस मतलब ए प्लस और बी डैश के सिवा, तो 2 4 5 6 इसमें ए नहीं, ए के सिवा इंटरसेक्शन बी, तो 1 3 आता है। अब देखिए, अब इन आंसर देख, इन कोई आंसर कॉमन आ रहा है तो देखिए, इसका आंसर कॉमन आ रहा है, देखिए इसको हम 0 से इंडिकेट कर देते हैं, इसका आंसर और इसका आंसर कॉमन आ रहा है इसे हम 101 से रख देते हैं। देखिए अब देखिए क्या लिखा है, ए डैश यूनियन बी डैश लिखा है इजिकल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का हो डैश, देखिए ए इस साइड लिखा, दूसरा देखिए ये दोनों कॉमन आया, इसलिए आप ऐसे लिखो तो भी चले, ऐसे लिखो तो भी चले, इसलिए हम ए डैश यूनियन बी डैश को पी ए इंटरसेक्शन बी होल स्क्वायर लगाया। अब देखिए दूसरा, इन दोनों कॉमन है, देख ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी का होल स्क्वायर का डैश लिखा है, देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इजिकल टू ए यूनियन बी का होल स्क्वायर, देखिए दोनों कॉमन है, कॉमन है, इसलिए अब देखिए इसको याद करना भी सिखा देता हूँ, यदि दोनों बार डैश दिया हो इन्वेंट दिया तो इसको पहले उंधा कर दो और ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर का डैश लगा दो ऊपर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया इसको पे सबसे पहले उंधा कर दो, तो इसको हमने उंधा कर दिया, अब ए एंड बी का होल स्क्वायर। ओके नाउ वी आर स्टडिंग ए माइनस बी, ए माइनस बी जोड़ू ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ओके अब देखिए इसको, इसका मीन कहना क्या जा रहा है, देखिए ए ए इवेंट देखी आपने, बी इवेंट देखी, अब ऐसा बोल रहा है कि ए माइनस बी जो एलिमेंट बी में ए के प्रेजेंट है उसको हटा दो और ओनली ए होना चाहिए। देखिए इसको मैं बताता हूँ, ये फिगर है ए और बी की फिगर है, ओके ए के एलिमेंट क्या है 1, ए के एलिमेंट क्या है 2 4 5 6 और बी के एलिमेंट क्या है 1 3 6। अब देखिए आपको सिर्फ ए पार्ट बताना है, क्या पार्ट बताना है, खाली ए पार्ट बताना है। देखिए अब मैं इन दोनों का कॉमन क्या है 6 है, तो अब इसका इस साइड का बचा 1 3, इस साइड का बचा 1 4 5। ओके इसे कहते हैं ए माइनस बी। अब इसको फॉर्मूला टाइप सिखाता हूँ, तो फॉर्मूला टाइप देखिए पहले क्या करना है, आगे क्या है ए है तो पी ए आगे लगाओ, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लगा दो, अरे आगे बी आता हो तो पहले बी लगा दो और माइनस पी इंटरसेक्शन बी, पीछे का कॉमन है आगे का डिफरेंट हो जा रहा है, कैसे आधी आगे हो ए आता है तो आगे ए लगा दो, अरे पीछे आगे बी आता है तो आगे बी लगा दो। देखिए इसका आंसर लगाता हूँ, पी ए क्या है, पी ए के एलिमेंट क्या है 2 4 5 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों के ए हमने फाइंड करके रखा है 6 माइनस 6, तो क्या आंसर बचा 2 4 5। ऐसे मैंने ग्राफ से बता भी दिया, ग्राफ से भी देखा 2 4 5 बचता है, ऐसे ही बी माइनस ए का होगा। अब आपने थ्योरी बता दी है, अब अपने सम के तौर सबके हम सम देख रहे हैं, सम में देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फरवरी ऑफ लीप ईयर। तो देखिए पहले मैं आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर समझा देता हूँ।
लीप ईयर मीन्स 366 डे और नॉन लीप ईयर मीन्स 365। अब देखिए इन लीप ईयर हर चार ईयर से आता है, मतलब 2012, 2016, और उसका एक दिन बढ़ना का कारण है कि इसमें सेकेंड मंथ के अंदर मतलब फरवरी के अंदर 29 डे हो जाते हैं और इसमें 28 डे होते हैं, बस इसी के कारण एक डे ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए हमें लीप ईयर का बोला है, तो लीप ईयर के अंदर फरवरी के अंदर बोला है तो फरवरी के अंदर 29 डे होते हैं, कितने 29 मीन्स 28 डे मीन्स हर एक वीक कितने एक दिन का होता है, 7 डे का होता है, तो मीन्स हर एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो चार बार तो आएगा, बट एक दिन ऐसा होगा कि मंडे 5 बार भी आ सकता है, ट्यूसडे 5 बार आ सकता है, वेडनेसडे 5 बार आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते अपने। तो देखिए तो संभावना क्या हो सकती है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। तो बस अब मैंने क्या बोला था, नीचे क्या आता है, जितनी आउटकम पॉसिबिलिटी हो, आउटकम पॉसिबिलिटी कितनी है, 7। अब फेवरेबल मतलब एक ही चुन सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, अब एक ही चुन सकते हैं, तो वो चूज कौन सा करना है, मंडे। तो मंडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1। आप अब समझे मैंने क्या कहा कि 7 पॉसिबिलिटी है आने की, पर मंडे की आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसमें से 1। ऐसे ट्यूसडे की बोली होती तो ट्यूसडे की 1/7 आती, क्योंकि ट्यूसडे आने की पूरी पॉसिबिलिटी 1 ही है। चलो अब अपने एक न्यू सम की तरफ चलते हैं, बहुत लोगों के लिए डिस्टर्ब भी करता है सम, बहुत हार्ड भी कहते हैं, पर आज हम इसको बहुत ईजी बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। 7 स्पीकर हैं, ABCDEFG, मैंने 7 स्पीकर बना दिए, ABCDEFG, ओके वापस लिख देता हूँ अच्छे से, ABCDEFG, ओके। अब देखिए अब बोल रहा है फाइंड द प्रोविडेंट स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर ए, मतलब ए के बाद बी तो होगा ही, उसके बाद कुछ कोई भी आए, डी भी आए तो भी चलेगा, सी आए तो भी चलेगा, ई आए तो भी चलेगा, इसका कोई तकलीफ नहीं है, पर ए के बाद बी तो आना ही है। देखिए तो इसे हम 1P1 रख देते हैं, ए तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, बदलेगा क्या, पीछे का 5P5 क्यों रखा, ये परम्यूटेशन का है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको समझाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल के लिए अभी प्रोबेबिलिटी करें तो इसके लिए आपको परम्यूटेशन का वीडियो देखना पड़ेगा। सी ये तो परमानेंट ही रहेगा, देखिए ए के बाद बी तो आएगा ही, पर बी के बाद ऐसा आपके हो नहीं सकता है, ई आएगा या डी आएगा, सी आएगा, कोई भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है CDEFG, ऐसा भी कर सकते हैं CDEFG, कोई भी आ सकता है, पर ये दो तो पक्के रहेंगे, तो इसलिए 1P1 5P5। तो 5P5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, तो 120 पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब 120 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक मिनट रुकिए, तो ये मुझसे 7 है, तो नीचे आउटकम कितने होंगे, 7P7 होंगे ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है, ले 7 बार आने की सबके पास इक्वल चांस है, इसके पास भी इक्वल चांस है, इसके पास भी इक्वल चांस है, इसलिए हमने 7P7 रखा। अब ऊपर का हमने जो एक फाइंड किया वो ऊपर आएगा, क्यों ऐसा आएगा, क्यों इसने पहले से बोल दिया है कि ए के बाद बी आएगा, ठीक है हमने ए के बाद बी रखा है, ओके। अब बी के बाद कोई भी आ सकता है, CDEFG, DCEFG कोई भी आ सकता है, तो हमने इसको तो कॉमन रख दिया 1P1, इस पीछे का फेरफार हो सकता है वो कितनी बार हो सकता है, 5P5 मीन्स 120 7P7 का होगा 7 6 5 4 3 2, तो 120/540 इसका आएगा 6 5 4 0 2 252 3 126, ओके डन। आई होप आप लोगों ने समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, वापस समझाता हूँ, इसने बोल के रखा है ए के बाद बी ही आएगा, बाकी का इसने बोल के नहीं रखा है कि बी के बाद सी डी ई, वो कॉमनली बोल के रखा नहीं है, इसलिए हमने 5P5 रखा है, मतलब बहुत ऐसी 125
आप आगे पीछे कर सकते हो इसको, परम्यूटेशन का आदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए सब इजी होगा आप, ठीक ना। अभी अब चलो अब एक अच्छे से समय न्यू सम की तरफ जाते हैं। एक फोर हजबेंड वाइफ अटेंड अ पार्टी, वन एक कपल, सेकंड कपल, थर्ड कपल, फोर कपल। इसमें एक हजबेंड होगा, एक वाइफ होगा, एक हजबेंड होगा वाइफ होगा, एक हजबेंड होगा वाइफ होगा। इसको मैंने अलग अलग तरीके से डिनोट भी कर दिया है, H1 W1, H2 W2, H3 W3, H4 W4। अब देखिए फोर कपल है अटेंड पार्टी, टू पर्सन आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 8 पर्सन। इसमें कॉम्बिनेशन बोला है, टू पर्सन आर सिलेक्टेड फ्रॉम 8, तो 8 × 7 / 2 तो कितना आया 28। आपको M/N तो मिल ही गया, N 28। अब आपको M फाइंड करना है, M कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए अलग अलग बोला है कि जो दो पर्सन हो वो क्या होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ, क्या होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ। तो देखिए कितने कपल है, फोर कपल है। तो अब देखिए दो पर्सन सिलेक्ट करने बोला है, तो एक कपल सिलेक्ट करोगे तो एक में हस्बैंड भी आएगी वाइफ भी आएगी, तो दो पर्सन सिलेक्ट होगे तो अपने क्या करेंगे, फोर कपल में से एक कपल चूज कर लेंगे, तो फोर आएगा तो एम मिल गया आपको, एम का आया 4/28, तो 1/7। नाउ अब क्या बोला है, एक मैन होना चाहिए एक वुमेन होना चाहिए, एक मैन होना चाहिए एक वुमेन होनी चाहिए। मैन कितने हैं, चार कपल हैं तो चार मैन होंगे, और चार वुमेन हैं तो चार कपल होंगे, चार वाइफ होंगे, तो 4 × 7 = 4 तो 4 × 4 = 16। नाउ अब क्या बोला है, वन मैन और वन वुमेन होने चाहिए बट आर नॉट हजबेंड और वाइफ। इसको मैं आप इजी तरीके से बताता हूँ। देखिए आपने पहला क्या किया था, जो सिलेक्ट हो वो मैरिड कपल होने चाहिए। सेकंड क्या सिलेक्ट किया आपने, जो एक मैन हो और एक वुमेन हो, ओके। तो देखिए यदि मैं इसमें को थर्ड में ऐसा करूँ 2 - 1 करूँ ना चले, क्यों चले बताता हूँ। देखिए क्यों चले बताता हूँ, इसने क्या बोला, एक मैन और वुमेन सिलेक्ट होना चाहिए पर वो हस्बैंड और वाइफ नहीं होना चाहिए। तो मैंने सेकंड में फर्स्ट में क्या किया, जो दो पर्सन सिलेक्ट किए तो वो मैरिड कपल हैं, और सेकंड में क्या किया, एक मैन सिलेक्ट किया है एक वुमेन सिलेक्ट किया है। तो इसके अंदर देखिए मैन और वुमेन सिलेक्ट किया है तो 16/28 - 4/28, वही तो मैंने किया है। देख लिए मैंने एक वन मैन और वन वुमेन सिलेक्ट किया, ठीक मैंने कर दिया। उसमें बोला है कि उसमें हस्बैंड और वाइफ नहीं होना चाहिए, मैंने हस्बैंड और वाइफ आने की प्रोबेबिलिटी थी उसको मैंने माइनस कर दिया, तो बात तो वही हुई। तो 16 में से 4 - करें तो 12/28। देखो आप भी समझा रहा हूँ कि देखिए इसने क्या बोला मुझे, एक वन दो पर्सन सिलेक्ट करने वो एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए, अपन दोनों हस्बैंड और वाइफ नहीं होना चाहिए। मैंने फर्स्ट में किया था कि हस्बैंड और वाइफ आने का मैंने संभावना की थी तो 1/7 आया था। सेकेंड में मैंने एक वन और एक वुमेन को सिलेक्ट करना था, 16/28 आया था। तो मैंने क्या किया, उसने बोला वन मैन और वन वुमेन सिलेक्ट करो, मैंने वन मैन और वन वुमेन सिलेक्ट कर दिया और माइनस कर दिया कि जब ऐसी कंडीशन आए कि हस्बैंड और W1 ऐसा आए H2 W2 H3 W3 और H4 W4, ये चार आए उसको मैंने माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 12/28 - 3/7। ओके हमने आज पार्ट टू क्लियर कर दिया है, कल के लिए हम कल पार्ट थ्री के अंदर लो ऑफ एडिशन सीखेंगे। आई होप आज का मैंने जो टॉपिक किया था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।